साउथ ईस्ट, चेतन साउथ ईस्ट से बड़ा प्यार है तुमको। देखो चलिए मैं एक चीज और बता देता हूँ साउथ ईस्ट की, बता देता हूं। साउथ ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है, यदि इसमें कोई कमी होती है, बिल्कुल डिफरेंट बात है, आपको एडवांस वास्तु में मिलती है। यदि यहां पे कोई दोष है, ये कटा हुआ है, बड़ा हुआ है, गड्ढा है, ठीक है, यह यहां पे किचन है, सॉरी मंदिर है, ठीक है। इसके और भी आगे चल के एक पॉइंट और बता दूंगा आपको इसके। ऐसी तकलीफ होती है जो होती है तो जेंट्स में, लेकिन सफर करती है फीमेल, ये समझे क्या आप बोलो? यस, उसमें इंपोर्टेंसी आ जाती है। अगला तो मस्त है, उसकी वाइफ परेशान है। यस, इसलिए मैं बोल रहा था ना आपको पहले कि फीमेल जोन भी होता है वो साउथ ईस्ट। क्या बना सकते हैं? नहीं बनाना नहीं चाहिए, पहले माइक मांगा करो भाई ताकि सबको समझ में आ जाए। खुद ही माइक मांगा करो जिसे क्वेश्चन करना। साउथ ईस्ट कॉर्नर में पार्क बना सकते हैं? नहीं, पक्का होना चाहिए, बगीचा बनाएंगे, ग्रीनरी होगी ना, बगीचे का मतलब कच्चा होगा ना, जमीन होगी ना, मिट्टी होगी ना जी, इसको पक्का होना होता है। ओके, साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट पक्का होना चाहिए, ठीक, ओके, कच्चा नहीं होना चाहिए। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ये कच्चा होना चाहिए। चलिए अब ये जोन जो है किसके लिए? प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, ये समझ में आ रहा है आपको? एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, मेटलाइज नहीं कर पाते इसको, ओके नहीं कर पाते। और वैसे एक वास्तव में एक बात और भी आती है, अगर इस दिशा में कोई दिक्कत होती है तो क्या होता है? चोरी, या चोरी होने का डर। यदि यहां पे दोष होता है तो कई बार ये ना रीचेक करता है, ताला लगाएगा, दोबारा जाकर देखेगा, ओवर रहता ना देखता फिर। साउथ ईस्ट में दिक्कत होती है तो पूजा करते टाइम नेगेटिव विचार आते हैं, आगे समझ में। ये मेडिकली ये डिजीज भी होती है वैसे, अगर ज्यादा बढ़ जाए तो। साउथ ईस्ट ठीक करना पड़ता है? नहीं, साउथ ईस्ट में थोड़ा तो बढ़ जाएगा, मिरर लगाओगे तो वो देख लेते हैं। अभी आएंगे ना शायद, उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, कल तक है, दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आएगा। और ये विक्ट्री एंड सक्सेस इन कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट साउथ के लिए, ऐसे यहां पर अगर कोई दिक्कत होती है तो आपने देखा बहुत सारे लोग लोन ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, ठीक है ना, बढ़िया राडो की घड़ी पहन लेंगे, मर्सिडीज लेंगे, अच्छी सी जगह पे, चाहे किराए का ऑफिस ले लें, ऑफिस ले लेंगे, यानी एक आर्टिफिशियल, एक नकली जिंदगी जीते हैं इस तरीके से कि उसकी बड़े लोगों से दोस्ती हो जाए, बड़ा ऑर्डर ले लें, बड़ा काम कर लें, आर्टिफिशियल हो जाते हैं। और ये लोग इतने आर्टिफिशियल हो जाते हैं कि इनको फील भी नहीं होता कि हम आर्टिफिशियल है, यानी ये कर्जे को कमाई समझ के खा लेते हैं। मेन मेन कोई अलग चीज को लिखनी है तो लिख सकते हैं, इसको आपको याद रह जाए। हाँ जी जी, दो टाइप के अध्यात्म होता है। कैसे? एक तो अध्यात्म ऐसा होता है जो आदमी घरवाली छोड़ देता है, सन्यासी जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक होता है घर में रह के होता है। हाँ, लिखा आगे चले, ये लिखा आपने। नेक्स्ट चलो साउथ वेस्ट,
हमारे गुरु जी बोलते हैं आलस की हिंदी क्या होती है, आलस तो एक हुआ, इसका प्राइवेसी क्या होता है, भारत कहा है? अच्छा क्या होती है, सुस्ती, अच्छा प्रमाद होता है, प्रमाद। अभी बोल रहा था ना मैं यही लाइन कि पूर्वजों की, पितरों की, उनकी कृपा नहीं मिलती। डिसीजन लेना उसके लिए भी रहता है। और थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं? नहीं समझ में आया प्रीति, आपकी समझ में आया थर्ड पॉइंट ना, सॉरी फोर्थ पॉइंट है? अगर साउथ वेस्ट में दोष है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे कुछ भी हो, इवन देन टेम्पल ही क्यों ना हो, ठीक है ना, वहां पे दिक्कत आती आती है, कई तरीके की दिक्कत आती है। मेन दिक्कत यह है कि उस बंदे को फेलियर देखना ही पड़ता है, आगे पीछे जैसे मर्जी करके उसको दिक्कत आती आती है। मान लीजिए वो 3 साल ठीक भी चल गया, 4 साल ठीक भी चल गया, जैसे थोड़ी सी उसकी भाग्य स्थिति खराब हुई, एकदम से जाएगा।